हेलो यू गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्जोर्ट। तो आज हम बात करेंगे, प्रॉपर रिव्यू देंगे मैकबुक एयर 13.3 इंच, ठीक है, 2017 मॉडल। तो ये मैंने लैपटॉप को परचेस करा था 2 जनवरी 2020 में और आज इसको 6 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं। मैं अब इसका रिव्यू एकदम अच्छे से दे सकता हूँ। मैंने 6 महीने यूज़ करें और कैसे यूज़ करें, क्या क्या परेशानी आई, मैं आज आपको प्रॉपर डिटेल में बताऊँगा कि क्या आपको ये मैकबुक खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने खरीदा था ये लैपटॉप को 56,560 समथिंग EMI सब मिला के था, तो इतने कॉस्ट पड़ी। और जब अब लेने जाओगे आप इसको, इजीली आपको 70,000 से ऊपर मिलेगा। तो मैंने इसको ऑफ़र में ख़रीदा था, तो अगर आपको भी ख़रीदना हो तो ऑफ़र का वेट करो। ऑफ़र अमेज़न के ऊपर भी ऑफ़र आने वाला है, अगर हो सके तो आप उस ऑफ़र में ये मैकबुक परचेस कर सकते हो। मैंने रिलायंस स्टोर से ख़रीदा था, तो 3,000 का डिस्काउंट मुझे रिलायंस स्टोर की तरफ से मिला था और 6,000 का डिस्काउंट मुझे HDFC की क्रेडिट कार्ड के ऊपर मिल गया था। तो इस तरीके से लेके मेरा लैपटॉप का कॉस्ट पड़ गया था 56,651 समथिंग EMI सब मिला के, क्योंकि मैंने ये EMI पे परचेस किया था। और जब मैंने वहाँ पूछा था, उसने 65 अराउंड इसका कॉस्ट बताया। तो चलो पॉइंट पे मूव करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रो। तो पहला पॉइंट है हमारा बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये एकदम फार है, फार। आज तक मैंने कोई भी ऐसा विंडोज़ लैपटॉप नहीं देखा जिसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी बेस्ट हो। लिटरली मैं फ़ोन को ना ऐसे ऊपर करके यूज़ करता हूँ, जब मैं वीडियो कॉल वगैरह पे बात करता हूँ या फिर फ़ोन YouTube भी देखना हो तो मैं ऐसे करके यूज़ करता हूँ जब लेटा हुआ हो तो। और लिटरली 6 से 7 बार मेरा फ़ोन लैपटॉप के ऊपर गिर चुका है। ट्रैक पैड के ऊपर कभी गिरा, कभी कीबोर्ड के ऊपर गिरा, कभी बॉडी होती है उसके ऊपर गिर चुका, और लेकिन आज तक एक स्क्रैच तक नहीं आया और परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। सो बिल्ड क्वालिटी के मामले में एक नंबर है ये बिल्ड क्वालिटी, तो मुझे लगता है कि कोई बीट नहीं कर सकता एप्पल को। लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट, बैटरी। बैटरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी यूज़र होते हैं जो ट्रैवल करते हैं, लाइक ब्लॉगर हैं जो काफ़ी ट्रैवल करते हैं। वैसे मैं भी एक ब्लॉगर हूँ, आप मेरे ब्लॉग पॉइंट अप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो काफ़ी ब्लॉगर हैं जो लैपटॉप एप्पल का प्रेफर करते हैं क्योंकि इसकी बैटरी बैकअप बहुत कमाल की है, बहुत मतलब बहुत कमाल की। 7,150 mAh की इसकी बैटरी है और इसकी बैटरी लिटरली मोबाइल से ज़्यादा चलती है। अगर आप मोबाइल पे वीडियो कॉल कर रहे हो तो इसकी मोबाइल की बैटरी अराउंड 6 to 7 आवर में डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन आप इसको प्रॉपर यूज़ करो, अगर मूवी देख रहे हो, वीडियो वॉच कर रहे हो, तो आराम से 10 to 12 आवर्स कहीं नहीं गए आपके। आप इजीली 10 to 12 आवर्स यूज़ कर सकते हो। आपके स्क्रीन पे एनिमेशन आ रहा होगा, आप उस पे देख सकते हो कौन से सॉफ्टवेयर पे और कौन से चीज़ पे कैसे इसकी बैटरी परफॉर्मेंस देती है, सारी डिटेल है यहाँ पे। तो बैटरी में मैं एक और बात बता दूँ कि मैंने इस लैपटॉप को आज तक सिर्फ 4 बार शट डाउन कराया, समझ लो 6 महीने में सिर्फ 4 बार शट डाउन कराया और 3 बार रीस्टार्ट कराया। मैं लैपटॉप को कभी बंद नहीं करता, समझ लो, फिर भी मेरी बैटरी अभी तक 97.8% यूज़ हुई है। अगर आप लोग एप्पल यूज़र है तो आपको पता रहेगा होगा कि एप्पल अपने यूज़र को प्रोवाइड करता है कि आपकी बैटरी लाइफ कितनी बची हुई है। तो 6 महीने में मेरे सिर्फ 3% घटे हैं, पूरी तरीके से 3% भी नहीं घटे हैं, 6 महीने में मैंने इतनी बैटरी बची है, इतनी बैटरी की परफॉर्मेंस बची है। और मैंने ये लैपटॉप को आज तक बंद भी नहीं करा है, 4 बार को छोड़ के, 4-5 बार को। सो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। मैं अपने मैकबुक को कभी बंद नहीं करता, जब भी ऑन करो खोलो और स्टार्ट वर्किंग, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं पॉइंट पे, जो है हमारा ट्रैक पैड। ट्रैक पैड इसका बेस्ट है। आप अगर माउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अगर इसकी एडिटिंग कर रहे हो कुछ चीज़ की, तो माउस से मुझे काफ़ी बेस्ट लगा इसकी ट्रैक पैड, क्योंकि इसकी ट्रैक पैड में काफ़ी ऐसे जेस्चर है जो आपके एडिटिंग को बहुत बहुत स्मूथ बना देता है। लाइक मैं बोलूँ, माउस में यूज़ करना भूल गया, लिटरली बता रहा हूँ आपको, मैं माउस यूज़ करना भूल गया जब से मैंने इसका ट्रैक पैड यूज़ किया है। ट्रैक पैड से जूम आउट, जूम इन, सब कुछ आपका जेस्चर है, इसमें बहुत सारे जेस्चर है जो आपका काम को और स्मूथली करता है। तो ट्रैक पैड मैं इसका बोलूँगा एक नंबर है। ट्रैक पैड इसके अलग से ट्रैक पैड भी बिकते हैं, तो पॉइंट टू बी नोटेड, इसके ट्रैक पैड अलग से बिकते हैं, मतलब इसके ट्रैक पैड में कुछ बात है, पॉइंट है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं, इसका कैमरा। कैमरा काफ़ी डिसेंट है, मैं इतना बेस्ट और इतनी बकवास नहीं बोलूँगा। आप अगर दिन में अगर इसको कुछ फुटेज लेते हैं, जैसे कि मैं अभी लो लाइट के अंदर ले रहा हूँ अपने रूम के अंदर, तो आप देख रहे हो थोड़ा नोइज़ी आ रहा है, वही मैं लाइट के अंदर लूँ जो नेचुरल लाइट आ रही होगी, बेस्ट है कैमरा, बहुत बेस्ट है लाइट में। लेकिन वही जहाँ शाम और अंधेरा होना स्टार्ट होता है, कैमरा उतना ही बकवास है, चाहे आप जितना लाइट लगा लो। तो ये तो बात होगी कैमरा की। वैसे कैमरा इसका आपका अगर वीडियो कॉल के लिए यूज़ करते हो तो लाइट के अंदर काम चल जाता है, अगर आप लाइट लगा रहे हो तो कैमरा डिसेंट यूज़ होता है। इससे पॉइंट आगे बढ़ते हैं, कीबोर्ड। कीबोर्ड इसकी बहुत अच्छी है
बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी, क्योंकि 2017 मॉडल और जो 2018 मॉडल के मैकबुक एयर आती है, तो इसको माना जाता है कि बेस्ट कीबोर्ड के लिए ये लैपटॉप को परचेस किया गया था। बहुत लोगों ने इसका कीबोर्ड बेस्ट बताया, और आपकी जो कीबोर्ड आती है बटरफ्लाई कीबोर्ड है, वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो एप्पल वापस मूव कर रही है यही कीबोर्ड, सेम कीबोर्ड पे जो 2017 या 2018 में या इससे पहले ये बनाती थी, इस कीबोर्ड पे वापस एप्पल मूव कर रहा है, तो इसका कीबोर्ड काफ़ी बेस्ट है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्प्ले। डिस्प्ले इसकी काफ़ी थोड़ी स्मॉल है, आई नो 13.3 इंच की है, दैट मीन्स डिस्प्ले छोटी है, लेकिन काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम आती है कि डिस्प्ले इसका इतना ज़बरदस्त नहीं दिखता, लेकिन मुझे अभी तक लिटरली बोल तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मैं कलर करेक्शन करता हूँ, मैं फोटोशॉप यूज़ करता हूँ, मैं एडिटिंग करता हूँ, जैसा कलर मुझे यहाँ दिखता है लिटरली वैसा कलर सब जगह दिखता है मुझे, वैसा मतलब अगर ये होता है कि आप साइड से देखो तो कलर चेंज हो जाता है, इस साइड से देखो थोड़ा कलर चेंज होता है, क्योंकि LED डिस्प्ले है ये, तो ये नॉर्मल है, लेकिन आपको कलर एकदम एक्यूरेट देगा ये। तो डिस्प्ले भी मुझे काफ़ी डिसेंट लगा, और इसकी जो रेजोल्यूशन है, लेट मी चेक, हाँ 1440x900 की डिस्प्ले है इसकी, सो क्वाइट डिसेंट, ठीक ठाक चल जाता है काम, मतलब सही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं हम इसका स्पीकर, परफॉर्मेंस की भी बात करेंगे भाई, जाना नहीं, परफॉर्मेंस की बात करेंगे। और एक और बात बता दो, इसकी जो इसकी स्पेसिफिकेशन है आपको कहीं और भी मिल जाएगा, तो मैंने इस पर स्पेसिफिकेशन नहीं बता रहा हूँ, सो मैं ये प्रॉपर रिव्यू दे रहा हूँ, तो होप यू अंडरस्टैंड दैट, ओके। सो हाँ, मेन नेक्स्ट आता है इसका स्पीकर। स्पीकर क्या बोलूँ मैं, स्पीकर मस्त है। मैंने ये इस पर कीबोर्ड गार्ड लगा रखा है, एसेसरीज़ के भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन से एसेसरीज मैंने बाई करी है, आप भी वो कर लें तो आपकी मैकबुक सेफ रहेगी, मेरी काफ़ी सेफ है। तो स्पीकर की बात करूँ तो मैं इसके ऊपर कीबोर्ड गार्ड लगा रखा है, और इसमें स्पीकर कीबोर्ड के अंदर है, समझ रहे हो आप, ऑप्टोमाइजेशन कीबोर्ड के अंदर जैसा स्पीकर है, तो मैं इसका उतना अभी तक दिक्कत नहीं आया है मुझे, मैं इसके ऊपर हमेशा वो जो कवर होता है लगा के रखता हूँ कीबोर्ड कवर, और स्पीकर से साउंड मुझे काफ़ी अच्छी आती है, बेस भी है, थोड़ी मोड़ी बेस भी है, और क्वाइट डिसेंट, मतलब आपको सुनने में बुरा नहीं लगेगा। और उसके बाद कीबोर्ड का मैं वो जो पन्नी होता है या फिर कुछ भी बोल दो आप, कवर बोल दो, उसको हटा दो तो थोड़ी वॉल्यूम बढ़ जाती है, एंड ये अच्छी चीज़ है, इसकी वॉल्यूम काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं इसकी परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं इसको, मैं ना मेरी ग्राफिक का ग्राफिक यूज़र, आई एम ए ग्राफिक और UI/UX डिज़ाइनर, तो इस मैं ये सब के काम मेरा इजीली हो जाता है, सो ये सब काम मेरा इजीली हो जाता है, इजीली बोले तो बहुत बेस्ट होता है। फोटोशॉप पे मैं कुछ यूज़ करूँ, कलर बहुत अच्छी है, फोटोशॉप पे कुछ यूज़ करूँ अराउंड 6 आवर्स 7 आवर्स, मुझे 6 आवर्स तक तो बैटरी मुझे बैकअप दे ही देती है, तो मैं अगर लाइट भी ना हो तो अपने आप काम इजीली इस पर कर सकता हूँ। ठीक है, एडिटिंग में करूँ तो एडिटिंग में भी रेंडरिंग इतनी फास्ट है, इसकी परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो बहुत फास्ट है, क्योंकि 8GB रैम है इसमें और 128GB का स्टोरेज है, तो वो भी SSD है, तो SSD पे काम करती है, तो मतलब अच्छा इन द सोच सेंस बोले तो इतने पैसे में बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। आज तक मुझे वैसा विंडोज़ पे नहीं लगा, इससे पहले भी मेरा एक लैपटॉप था Dell XPS, आपको पता रहेगा होगा, Dell XPS भी अपने टाइम का बेस्ट लैपटॉप था, मैंने वो ख़रीदा था एंड उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, बट वो समय के साथ मतलब जैसे विंडोज़ अपडेट होती गई वो उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती गई। सो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अभी तक दो बार अपना OS बदल चुका हूँ, और ये काफ़ी डिसेंट सा OS बदल चुका, मतलब ये नहीं कि आप दूसरा OS डाल दो, नहीं, OS बदल चुका मतलब OS में अपडेट कर चुका हूँ, मुझे कभी भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं आई कि कभी लैग कर रहा हो या कुछ, ऐसे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। और ये एक बात और मैं बता दूं इसके परफॉर्मेंस में, कि आप अगर इसकी परफॉर्मेंस को यूज़ कर रहे हो ना, अगर आप ये लैपटॉप यूज़ करो, इंस्टॉलेशन बहुत फास्ट है, लिटरली मैं फोटोशॉप ये सब इंस्टॉल कर रहा था, लिटरली 2-2 मिनट या 1-1 मिनट के अंदर इंस्टॉल हो जा रहा था, इतनी इसकी फास्ट इंस्टॉलिंग कैपेसिटी है। तो बहुत हो गई है प्रोज की बात, अब बात करते हैं थोड़े कॉन्स की। मुझे पता है कमीनो इसी चीज़ के लिए वेट कर रहे होगे। तो ठीक है, कॉन्स की बात करते हैं इसमें। इसका मेन एक दिक्कत आता है स्टोरेज का, क्योंकि स्टोरेज 128GB का है, तो आपको फ्लैश स्टोरेज देखने को मिल जाता है 121GB का, जो आपको यूजुअल होता है। तो इस पर अगर वर्क करते हो तो आपके अगर 8GB से कम है तो आपका फोटोशॉप वर्क नहीं करेगा, समझ रहे हो, आपको कुछ डाटा अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो स्टोरेज इसका मुझे उतना कमाल नहीं लगा, हाँ मैं ज़्यादा पैसे दूंगा तो इसकी अच्छी स्टोरेज आ जाएगी, बट इतना पैसे मैं वेस्ट नहीं करना चाहता स्टोरेज को लेके, मैं अलग से हार्ड ड्राइव ले सकता हूँ जो मुझे
थोड़ा जैसे कि 2 TB का मैं लेता हूँ तो 5000 के अराउंड के कॉस्ट पड़ेगा, वही मैं SSD लेने जाता हूँ तो अराउंड 7000 का पड़ेगा मुझे 500 GB। सो मुझे SSD तो मेरा यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए यूज़ हो गया, मुझे स्टोरेज के लिए चाहिए तो स्टोरेज के लिए मैं हार्ड ड्राइव, नॉर्मल हार्ड ड्राइव यूज़ कर सकता हूँ एक्सटर्नल, तो इतने कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग भी कर सकते हैं। सो क्वाइट ईजी, मतलब आपके काम को काफ़ी आसान बना देगा। वैसे देखा जाए तो मेरे डाउनलोडेड फाइल बहुत है इसमें, जिसके वजह से स्टोरेज इसकी कम हो गई है, लाइक अभी 11 GB पड़ी हुई है। अगर मैं उसे खाली कर दूँ तो स्टोरेज इनफ है, अगर इतनी देखी जाए तो, अगर आप कोई भी डेटा इसमें स्टोर ना करें तो। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कैमरा की, जो मैंने बात कर दी थी कि लो लाइट में इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, तो ये भी एक पॉइंट है कि लो लाइट में इसकी परफॉर्मेंस नॉइज़ आ जाती है आपको कैमरे में, जैसे मेरे कैमरे में भी दिख रहा होगा क्योंकि मैं ब्लैक एंड वाइट करके यूज़ कर रहा हूँ ताकि नॉइज़ कम दिखे। सो लेकिन नॉइज़ आती है इसके कैमरे में। कंक्लूजन पे पहुँचते हैं हम। कंक्लूजन ये है कि आपको अगर आप 56,000 अपने खर्च कर रहे हो या 54,000 अपने खर्च कर रहे हो, क्योंकि ये 54,000 पे भी ये लैपटॉप बिका था एक समय पे, तो इतने खर्च कर रहे हो तो आप वैल्यू टू प्राइस है, आपका ये लैपटॉप उतना वैल्यू देता है, ठीक है। आप वो प्राइस को आपका प्राइस आप ये नहीं करोगे कि यार मैं पैसे बर्बाद हो गए, आप कभी ऐसा नहीं सोचोगे। लेकिन आप विंडोज़ लैपटॉप लेते हो 1-2 साल के बाद आप ये सोचोगे कि यार इससे बेस्ट मैं कोई दूसरा लैपटॉप ले लेता जो हाई परफॉर्मेंस देती हो, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस में भी आपकी कोई कमी नहीं आएगी। तो मैं कंक्लूजन पे पहुंचता हूं कि आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए अगर आप एक ब्लॉगर और एडिटर हो और या नॉर्मल यूज़र हो, प्रोफेशनल हो, तो ये लैपटॉप आपके लिए है। लेकिन आप गेमिंग करना चाहते हो तो नहीं, ना बाबा ना, ये लैपटॉप मत छूना क्योंकि आप इस पर गेमिंग नहीं कर सकते। नॉर्मल गेमिंग करते हो जैसे कि 4K2 ये सब खेल सकते हो, बट जो मेन गेमिंग आता है पबजी वगैरह और भी बहुत सारे कॉल ऑफ ड्यूटी ये सब, आप ये सब नहीं कर सकते। सो माफ़ करो इसको, ये लैपटॉप अपने एप्पल अपने लैपटॉप गेमिंग के लिए नहीं बनाता है। अगर मेरी मानो तो ये लैपटॉप आपको ले लेना चाहिए, आप कभी डिसअपॉइंट नहीं होगे एप्पल के लिए। अगर आप एप्पल का जो इकोसिस्टम को अगर समझो, अगर आपने एप्पल का ये लैपटॉप ले लिया या फिर एप्पल के कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो आप एप्पल को छोड़ नहीं सकते बाबा। अभी मेरा नेक्स्ट प्लान है एप्पल वॉच लेना है, आईफोन लेना है, क्योंकि मैं एंड्रॉयड फ़ोन से पक चुका हूँ और एंड्रॉयड फ़ोन मुझे अब यूज़ नहीं करना है। मैं लिटरली पक चुका हूँ, 1 साल के बाद फ़ोन हैंग होना स्टार्ट होता है, चाहे मैं जितनी अच्छी ले लूँ, मतलब कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता है, ठीक है, बहुत कम समय के अंदर आ जाता है। तो मैं एंड्रॉयड सब उब गया हूँ, अब मुझे आईफोन पे मैं स्विच करना चाहता हूँ। मे बी नेक्स्ट ईयर तक मैं आईफोन पे स्विच कर लूँगा, वो भी EMI पे लेना पड़ेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प करें तो क्या पता मैं यूट्यूब मनी से ले लूँ, जो कि मुझे लेना है ताकि मुझे डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए इतना डेटा केबल सब ना लगाना पड़े। इसका जो इसकी जो ऑलरेडी बिल्ड है, मतलब मैं डेटा आराम से शेयर कर सकूं एयर ड्रॉप के थ्रू, ठीक है ना, तो इससे मेरे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और काफ़ी सारे जैसे कि इकोसिस्टम इसका बहुत अच्छा है, तो मैं चाहता हूं कि अपना इकोसिस्टम एक अच्छा बना के रखूं पूरे एप्पल के थ्रू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जाओ, जितना आप शेयर करोगे मेरा चैनल उतना ग्रोथ होगा। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके जाना। स्टे कूल एंड स्टे क्रिएटिव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।